अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन्सहरू सम्बन्धी केही प्रब्लमहरू गरौँ। सुरुमा के सोधाएको छ, यो प्रुभ गर्न सोधाएको छ, यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट प्रुभ गरौँ। टेन ए माइनस सेक ए, अब वानलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए लेख्न सकिन्छ। यो भनेको टेन ए प्लस सेके माइनस वान। अब टेन ए माइनस सेक ए प्लस टेन ए माइनस सेक ए, टेन ए प्लस सेक ए डिभाइडेड बाई टेन ए प्लस सेके माइनस वान। अब कमन लिउँ, टेन ए माइनस सेक ए मैले कमन लिएँ भने यसले मलाई के भ्यालु दिने भयो त भन्दाखेरि, यहाँनिर प्लस, यतापट्टि माइनस, यहाँ माइनस, यतापट्टि प्लस, होइन। अब यहाँनिर माइनस लिनु पऱ्यो, यहाँ माइनस, यतापट्टि प्लस, सो यहाँ माइनस, यतापट्टि प्लस, यसले के दियो त सेक ए प्लस टेन ए माइनस वान, किनभने यतापट्टि माइनस छ, र यतापट्टि के रह्यो सेक ए प्लस टेन ए माइनस वान। यो भनेको के भयो, यो काट्यो, यहाँनिर सेक ए माइनस टेन ए रह्यो, यो भनेको वान बाई कस ए, वान बाई कस ए माइनस साइन ए बाई कस ए इज इक्वल्स टु वान माइनस साइन ए बाई कस ए। अब दुई साइडमै वान प्लस साइन एले मल्टिप्लाई गरौँ, वान प्लस साइन ए, यसले के दियो वान माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कस ए वान प्लस साइन ए, वान माइनस साइन स्क्वायर ए भनेको कस स्क्वायर ए, कस स्क्वायर ए बाई कस ए वान प्लस साइन ए भने चाहिँ कस ए बाई वान प्लस साइन ए आयो, हेन्स प्रुभ टेन ए भनेको वान बाई सेके माइनस टेन ए माइनस कस ए प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड पोर्सन लिउँ, के छ त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भने, अब वान बाई वान बाई कस ए माइनस वान बाई सेक ए प्लस टेन ए छ होइन। सिङ्गल हामीले अर्को फर्ममा लेख्यौँ भने सजिलो जाने रहेछ। अब हामीले यसमा फर्महरूको बारे सोच्नु पऱ्यो, कसरी गर्दा चाहिँ हामीलाई प्रब्लम सजिलो हुन्छ त। अब कसैलाई मैले उता लगिदिएँ भने यो टु बाई कस ए, टु बाई कस ए इज इक्वल्स टु वान बाई सेक ए प्लस टेन ए प्लस वान बाई सेक ए सेक ए माइनस टेन ए, यो फर्ममा जाने रहेछ। अब यसको म आरएचएस प्रुभ गर्छु, आरएचएसले एलएचएस प्रुभ गर्छु, वान बाई सेक ए प्लस टेन ए प्लस वान बाई सेक ए माइनस टेन ए। अब यसको एलसिएम लिउँ भने सेक ए माइनस टेन ए प्लस सेक ए प्लस टेन ए हुने रहेछ, यतापट्टि के आयो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए काट्यो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए भनेको वान हुन्छ, यो भनेको टु सेक ए इज इक्वल्स टु टु बाई कस ए। यसरी यो प्रब्लम प्रुभ गर्न सकिन्छ, रुट टु कस ए, सो द्याट कस ए माइनस साइन ए भनेको रुट टु साइन ए हुन्छ भनेर देखाउनु पर्नेछ। के छ त कस ए प्लस
साइन ए भनेको रुट टू कस ए छ, होइन? अब मैले यसलाई के लेख्न सकेँ, साइन ए इज इक्वल्स टू रुट टू माइनस वान कस ए लेख्न सक्छु। अब दुई साइडै मैले स्क्वायर गरिदिएँ भने साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू रुट टू माइनस वान कस स्क्वायर ए, यहाँ पनि होल स्क्वायर आउँछ। यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि दुई साइडै रुट टू प्लस वानले मल्टिप्लाई गरौँ, साइन ए इज इक्वल्स टू रुट टू माइनस वान रुट टू प्लस वान कस ए, यो आउँछ यहाँनिर रुट टू साइन ए प्लस साइन ए, यो भनेको कस ए आउँछ। सो कस ए माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू रुट टू साइन ए प्रुफ्ड, सी बाई साइन बी इन्टु सी प्लस साइन सी माइनस ए बाई साइन सी इन्टु साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी बाई साइन ए इन्टु साइन बी भनेको जिरो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यसको एलएचएस लिउँ, एलएचएसमा साइन बी माइनस साइन सी भनेको साइन बी इन्टु कस सी माइनस कस बी इन्टु साइन सी डिवाइडेड बाई साइन बी इन्टु साइन सी प्लस यो भनेको साइन सी इन्टु कस ए माइनस कस सी इन्टु साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए भयो। अर्को भनेको प्लस साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी बाई साइन ए इन्टु साइन बी। अब एलसिएम लिउँ सबैको, आएको छ भने चाहिँ साइन ए साइन बी कस सी माइनस साइन ए कस बी साइन सी, यहाँ साइन बी कस ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी कस सी, अझै यहाँनेरि साइन ए कस बी साइन सी माइनस कस ए साइन बी इन्टु साइन सी डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी साइन सी। अब सबै गर्दाखेरि यहाँ जिरो आउँछ, प्लस 120 माइनस एज इक्वल्स टु जिरो। यसको एलएचएस लिउँ, एलएचएस भनेको कस ए प्लस कस 120 प्लस ए प्लस कस 120 माइनस ए कस ए प्लस कस 120 इन्टु कस ए माइनस साइन 120 इन्टु साइन ए प्लस कस 120 इन्टु कस ए प्लस साइन 120 इन्टु साइन ए, यो यो काट्यो। यहाँनिर के आयो त कस ए प्लस टू कस 120 इन्टु कस ए आयो। अब यो भनेको कस टू कस 90 प्लस 30 कस ए, यो भनेको कस ए माइनस टू साइन 30 इन्टु कस ए इज इक्वल्स टू कस ए माइनस टू इन्टु वान बाई टू कस ए इज इक्वल्स टू जिरो। टेन एक्स इज इक्वल्स टू के टेन वाई भनेर दिएको छ, भनेपछि टेन एक्स बाई टेन वाई भनेको के हुन्छ?
अब यहाँ कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्डको प्रिन्सिपल लगाऊँ युजिङ कम्पोनेन्ट एन्ड डिभिडेन्ड टेन एक्स प्लस टेन वाई डिभाइडेड बाई टेन एक्स माइनस टेन वाई भनेको चाहिँ के प्लस वान डिभाइडेड बाई के माइनस वान हुन्छ, ठिक छ। अब यसलाई हामी छुट्याइदिउँ, साइन एक्स बाई कस वाई एक्स बाई प्लस साइन वाई बाई कस वाई डिभाइडेड बाई साइन एक्स बाई कस एक्स माइनस साइन वाई बाई कस वाई इज इक्वल्स टु के प्लस वान के माइनस वान हुन जान्छ। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि साइन साइन एक्स कस वाई कस एक्स साइन वाई डिभाइडेड बाई साइन एक्स कस वाई माइनस कस एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टु के प्लस वान बाई के माइनस वान। यसलाई कसरी लेख्न सक्यो त साइन एक्स प्लस वाई डिभाइडेड बाई साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टु के प्लस वान बाई के माइनस वान। हेन्स अब यसलाई कसरी लेख्न सक्यो के माइनस वान साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टु के प्लस वान साइन एक्स माइनस वाई। हेन्स प्रुफ ए माइनस बी प्रुफ द्याट के माइनस वान कट बी इज इक्वल्स टु के प्लस वान कटे। यसको सोल्युसन हामीलाई कन्डिसन के दिएको छ साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टु के अब साइन ए प्लस बी बाई साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टु के। अब यहाँ युजिङ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो के पाउँछौँ त साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिभाइडेड बाई साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टु के प्लस वान डिभाइडेड बाई के माइनस वान। अब माथिको अपरेसन गर्दा के रहन्छ त टु साइन ए कस बी रहन्छ र मुनि टु कस ए साइन बी आउँछ, भनेको के प्लस वान बाई के माइनस वान। अब यसलाई गर्ने हो भने टेन ए इन्टु कट बी इज इक्वल्स टु के प्लस वान बाई के माइनस वान। के माइनस वान यता लग्यो, के माइनस वान कट बी, उतापट्टि के प्लस वान कट ए। हेन्स प्रुफ्ड वान माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वान प्लस टेन स्क्वायर ए, यो प्रुफ गरौँ। यसलाई चाहिँ साइड लिउँ, यसलाई चाहिँ सम्झ्यो कस टु एलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लेख्न सकिन्छ, होइन। अब कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लेख्न सकिन्छ साइन स्क्वायर ए। अब माथि र मुनि कस स्क्वायर एले डिभाइड गर्दैन, यहाँनिर वान माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए आउँछ र यहाँनिर वान प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए आउँछ, यो भनेको वान माइनस
टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए आउँछ।